मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। यह सिलसिला चुनाव प्रचार शुरू होने के बाद से चल रहा है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे प्रदेश में छिंदवाड़ा जिले में सबसे ज्यादा लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। शुक्रवार को छिंदवाड़ा के कद्दावर कांग्रेस नेता रहे पूर्व मंत्री स्वर्गीय बैजनाथ सक्सेना के बेटे अमित सक्सेना भी भाजपा में शामिल हो गए हैं। वही सुर्खी सीट से विधायक पारुल साहू की घर वापसी हुई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कई कांग्रेसियों को बीजेपी अंग वस्त्र पहनाकर पार्टी की सदस्यता दिलाई है। हम सब मूल रूप से राजनीतिक कार्यकर्ता भले ही, लेकिन देश सेवा का काम करना चाहते। राजनीति हमारे लिए सेवा का माध्यम और सेवा के माध्यम के कारण से हमको लगता है कि देश सेवा का सही मार्ग कौन सा है, लेकिन जान करके अनजाने से जो गलतियां हो रही थी उसको आज के समय में भी सुधार कर कई मित्र आ रहे हैं और मैं उनका अपने भाजपा परिवार में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हम सब मूल रूप से